हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया जाली वाला डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 15 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये इस सिलाई में मैंने 47 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारे के लिए टोटल 49 फंदे डाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, धागा घुमाएं, 7 फंदे सीधे बुने, 7 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने ये 3 फंदों का एक बनाना है। 3 का एक बनाने के लिए पहला फंदा उतारें, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं। ऐसे 2 का एक बनाने के बाद इस बुने हुए फंदे के ऊपर से उतारे हुए फंदे को उतार दें। ऐसे हमने ये 3 का एक बना लेना है। 3 का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, धागा घुमाएं। ऐसे हमारा यहाँ तक 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। हम 3 पैटर्न एक साथ बुन रहे हैं तो हमने लास्ट के 3 फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं, 7 फंदे सीधे बुने, 7 फंदे सीधे बुनने के बाद अब ये 3 फंदों का एक बनाएं। 3 का एक बनाने के लिए पहला फंदा उतारें, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं और बुने हुए फंदे के ऊपर से उतारे हुए फंदे को उतार दें। 3 का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, धागा घुमाएं। ये हमारा दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। अभी प्लस वाले 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 2 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुने। 3 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं, 6 फंदे सीधे बुने, 6 फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही 3 फंदों का एक बनाएं। पहला फंदा उतारें, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं। अब बुने हुए फंदे के ऊपर से उतारे हुए फंदे को उतार दें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के 3 फंदों तक इसी पैटर्न को 2 बार रिपीट करें।
अभी प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। चार नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, छह फंदे उल्टे बुने, छह फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे, आठ फंदे उल्टे बुने, यहां तक हमारा ये 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक हमने इसी पैटर्न को दो बार रिपीट करना है। पहले छह फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, आठ फंदे उल्टे बुने, फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब ये लास्ट वाले तीन फंदों में से दो प्लस वाले फंदे उल्टे बुने और किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुने। पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं, पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुने, चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं। ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे लास्ट के तीन फंदों तक दो बार इसी पैटर्न को रिपीट करें। ये प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने। छह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, सात फंदे उल्टे बुने, ये सात फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, सात फंदे उल्टे बुने, ऐसे ही हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। अभी लास्ट के प्लस वाले फंदे उल्टे बुने और किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुने। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुने, चार फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, धागा घुमाएं। ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब ये लास्ट के प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, किनारी वाला फंदा सीधा बुने।
आठ नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, आठ फंदे उल्टे बुनें, आठ फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनें, धागा आगे छह फंदे उल्टे बुनें, ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। ये प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने नंबर सिलाई में, पहला फंदा उतारें, धागा आगे दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद धागा आगे एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे छह फंदे सीधे बुने, छह फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे धागा घुमाएं। ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब ये प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किनारे वाला फंदा सीधा बुने। 10 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, नौ फंदे उल्टे बुने, नौ फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे पांच फंदे उल्टे बुने, ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। अब ये प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने और किनारी वाला फंदा भी उल्टा। 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों का एक बनाएं, तीन का एक बनाने के बाद धागा आगे एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे सात फंदे सीधे बुने, सात फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे धागा घुमाएं। ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। प्लस के दो वाले फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किनारी वाला फंदा सीधा बुने। 12 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 10 फंदे उल्टे बुने, 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे चार फंदे उल्टे बुने, ये हमारा 15 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के तीन फंदों तक इसी पैटर्न को रिपीट करें। प्लस वाले दो फंदे उल्टे बुने, किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुने। ऐसे हमने ये 12 सिलाइयां रिपीट करनी है
और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।